में एक सत्य है कि अगर इंडिया अलायंस की सारी पार्टियां मिलकर बीजेपी या एनडीए के खिलाफ एक सिंगल कैंडिडेट दें और फ्रैगमेंटेशन ऑफ वोट्स ऑपोजिशन का ना हो, मैं अगर तो क्या मैं बीजेपी मैं दोबारा के लिए चुनौती नहीं? मैं उत्सुकता मीडिया के कई लोगों में है, मैं गोदी मीडिया शब्द यूज नहीं करती, मैं गोदी मीडिया शब्द यूज नहीं करती, मीडिया के कई लोगों में उत्सुकता मीडिया को अब्यूज करने का हर नेता को मैं अब्यूज नहीं करती हूँ। क्वार्टर के सवाल पर स्मृति ईरानी को हमने तमतमाते हुए पहले ही देख लिया है। अब बात विपक्षी गठबंधन पर है, सवाल विपक्ष के सामने बौनी बनती भाजपा पर है, लेकिन इस बार भी स्मृति ईरानी अपना आपा खोती नजर आई। पत्रकार के भेष में छुपे सत्ता के दलालों को अब स्मृति ईरानी विपक्ष के हाथों का खिलौना मानने लगी हैं। नविका कुमार जो सत्ता की भक्ति में चौंधिया गई हैं, उसे स्मृति ईरानी विपक्ष की गोद में बैठी गोदी मीडिया कह रही है। मतलब जिस मीडिया ने भाजपा के लिए चमचाई की सारी हदें पार कर दी थी, अब उसी मीडिया को मोदी के सबसे ताकतवर महिला मंत्री स्मृति ईरानी कभी गोदी मीडिया कह रही है तो कभी उसके तिहाड़ी पत्रकारों को जेल की सलाखों में ठूस देने की धमकियां दे रही हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। आज तक के मंच पर कैसे सुधीर चौधरी ने स्मृति ईरानी से जब टमाटर को लेकर सवाल पूछा तो सिलेंडर वाली मैडम जवाब देने के बजाय उल्टे सुधीर चौधरी को उसके जेल में काटे गए इतिहास की याद दिलाकर ये बताने और धमकाने की कोशिश करने लगी कि जिस जेल में तुम फिरौती लेने के चक्कर में जा चुके हो उसी जेल में अब सवाल पूछने के जुर्म में जाने के लिए तैयार हो जाओ। सुधीर चौधरी के साथ स्मृति ईरानी वाला मामला सोशल मीडिया पर खूब वायरल रहा, लेकिन सुधीर चौधरी की लंका में आग लगाने के बाद स्मृति ईरानी गोदी मीडिया के एक दूसरे मंच पर पहुंची। लेकिन स्मृति ईरानी का मीडिया को टारगेट करने का या यूं कहें लथखोर बन चुकी मीडिया को लात मारना स्मृति ईरानी भूली नहीं। दरअसल स्मृति ईरानी नविका कुमार को इंटरव्यू दे रही थी। वो नविका कुमार जिसे सोशल मीडिया पर कचरा कुमार के नाम से भी जाना जाता है, वो नविका कुमार जिसके बेटे की शादी में पीएम मोदी से लेकर उनका सारा मंत्रिमंडल पहुंचता है, वो नविका कुमार जो मोदी की करीबी दिखाने के चक्कर में कुछ भी कर जाने को तैयार रहती हैं, वो नविका कुमार जिसने लाइव शो में राहुल गांधी को गाली तक दे दी थी, जो बाद भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा टाइम्स नाउ के ऑफिस का घेराव करने की वजह से उसे माफी मांगनी पड़ी थी। लेकिन अब हालात बदल गए हैं और बदल गई है स्मृति ईरानी के जज्बात, और यही वजह है कि स्मृति ईरानी अब खुलकर नविका कुमार को विपक्ष के हाथों का खिलौना बता रही हैं, नविका कुमार को विपक्ष की गोद में बैठी मीडिया बता रही हैं, और वो भी सवाल पूछने की वजह से नहीं बल्कि सिर्फ हकीकत बयान करने की वजह से, सिर्फ सच्चाई बयान करने की वजह से स्मृति ईरानी बमक गईं। दरअसल नविका कुमार ने स्मृति ईरानी से पूछा कि 2024 में अगर इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़ता है और हर सीट पर विपक्ष का केवल एक उम्मीदवार हो तब भाजपा के लिए चुनौती तो होगी ही। इसका जवाब देने के बजाय स्मृति ईरानी मीडिया पर आ गई, उस मीडिया पर जिस मीडिया ने उनके आका को सत्ता की बागडोर दे रखी है। स्मृति ईरानी ने कहा कि मीडिया के कई लोगों में कांग्रेस को लेकर उत्सुकता है, लेकिन मैं आप लोगों को गोदी मीडिया नहीं कहूंगी। स्मृति ईरानी का ये कहना था इस बात का सबूत है कि कैसे सत्ता ने मीडिया को अपने गोद में बैठा रखा है, तो उसे लगता है कि उसकी तरह अब दूसरे भी मीडिया को अपनी गोदी का हिस्सा बना रहे हैं। देखिए कैसे सवाल पूछने भर से अपनों के खिलाफ स्मृति ईरानी मैदान में कूद चुकी हैं। इसमें एक सत्य है कि अगर इंडिया अलायंस की सारी पार्टियां मिलकर बीजेपी या एनडीए के खिलाफ एक सिंगल कैंडिडेट दें और फ्रैगमेंटेशन ऑफ वोट्स ऑपोजिशन का ना हो, मीडिया के कई लोगों में मैं गोदी मीडिया शब्द यूज नहीं करती, मीडिया के कई लोगों में उत्सुकता है, अब्यूज करने का हर नेता को मैं अब्यूज नहीं करती हूँ। तो देखा आपने, हम हमेशा यही कहते आए हैं कि आज की मीडिया जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है उसकी हैसियत गली के कुत्ते से ज्यादा कुछ नहीं है। कभी उसे विपक्ष लात मारता है तो कभी सत्ता पक्ष, दोनों तरफ के लात खाने के बाद बीच में जो खड़ी रहती है उसी का नाम है गोदी मीडिया। तो मीडिया के सवालों से बौखलाई फिर रही स्मृति ईरानी पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।